हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शादियों का सीज़न चल रहा है, लॉकडाउन भी चल रहा है, तो पार्लर सभी बंद है, सारी दुकानें भी बंद है, तो हम पार्लर नहीं जा पाते। तो हम तो शादियों में अच्छे से तैयार होके जाते हैं, बट हम अपने पैरों का ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर हम अपने हमारे पैर अगर खूबसूरत नहीं लगते देखने में, तो हम अपने पैरों को छिपाने की कोशिश करते हैं। कभी साड़ी से छुपाते हैं, कभी लहंगे से छुपाते हैं कि मेरा पैर खूबसूरत नहीं दिख रहा है, तो मैं अपने पैर को छुपाने की कोशिश करते हैं। तो मैं आज आप लोग के लिए यहाँ पर एक ऐसा टिप्स लेके आई हूँ, जैसे कि जो आपके घर में, आपके किचन में वो सारी चीज़ें अवेलेबल है, जिससे आप अपने पैरों को बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर बना सकते हैं। तो अपने पैरों को छुपाने की ज़रूरत नहीं है, पैरों को दिखाने की ज़रूरत है। तो चलिए आइए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर सबसे पहले हम नेल पेंट रिमूव कर लेंगे अपने नेल्स पर से, और यहाँ पे लिया है मैंने एक बाल्टी पानी, बाल्टी में आधा बाल्टी पानी लिया है, थोड़ा सा गुनगुना पानी है, और उसमें मैंने एक चम्मच डाला है बेकिंग सोडा, दो चम्मच के करीब मैंने डाला है साल्ट, और इसमें एक नींबू निचोड़ के डाल देंगे। मैंने आधी डाला है, आप चाहे तो एक नींबू भी डाल सकते हैं, और शैम्पू कोई भी शैम्पू डाल सकते हैं जो भी आप यूज करते हैं। डाल के इसको अच्छे से पानी को मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम 15 मिनट के करीब हम अपने पैरों को इसमें डिप करके रखेंगे, अब हाथों से अच्छे से पैरों को मालिश कर देंगे। करीब 15 मिनट के करीब हो चुका है, तो अपने पैरों को पानी में से बाहर निकाल लिया मैंने, ये देखिए। अब हम अपने करेंगे पैरों की मसाज। मसाज के लिए मैंने एक बाउल में लिया है एक चम्मच बेकिंग सोडा है, एक चम्मच सॉल्ट है, दोनों को मिक्स कर लिया है, और जो आधा नींबू मैंने पानी में डाला था, आधा नींबू जो मेरा बचा था, उसी नींबू से ही हम इन साल्ट को और बेकिंग सोडा को लेके अपने पैरों को अच्छे से मसाज करेंगे, आगे पीछे से बढ़िया सा मसाज करेंगे पैरों के। आप चाहे तो हाथों से भी कर सकते हैं, या चाहे आप किसी और चीज़ से भी कर सकते हैं, यहाँ पे मैं नींबू से ही कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है टूथब्रश, आप कोई भी टूथब्रश ले लीजिए जो घर में आपका अनयूजेबल हो, यूज़ नहीं करते हैं। टूथब्रश से हम अपने नेल्स को अच्छी तरह साफ़ करेंगे, जो हमारे नेल्स के अंदर कई बार मिट्टियाँ डॉट चले जाते हैं, उसको हम अच्छे से नेल से क्लीन करने के बाद करीब 5 मिनट के करीब क्लीन करेंगे। उसके बाद ही हमारे घर में, सबके घर में ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। फिर इन सब से हम अपने हील्स को अच्छी तरह साफ़ करेंगे। ये हमारा हील साफ़ करने वाला प्लास्टिक का है, अभी मेरे घर में यही अवेलेबल था, तो आप इससे कर सकते हैं, बट वो जो पत्थर का आता है वो ज़्यादा बेस्ट होता है, तो आप उससे भी कर सकते हैं। उसको आई थिंक क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो आप उससे भी कर सकते हैं। जो जो चीज़ें मैंने यहाँ पर इस्तेमाल करी है, वो सारी चीज़ें आपके घर में इस टाइम भी अवेलेबल होगा, तो हमें बाहर से लेने की भी कोई भी चीज़ ज़रूरत नहीं है। अब इन सारी चीज़ों से हम अपने पैरों का अच्छे मसाज कर लिया है। अब यहाँ पे करीब मैंने 10-15 मिनट के करीब मैंने मसाज कर लिया है, आप 5 मिनट या 10 मिनट भी कर सकते हैं। मसाज करने के बाद अब इसको मैंने अच्छे से पानी से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद हम इसको टॉवल से अच्छे से सुखा लेंगे अपने पैरों को, क्योंकि अगर आप पैरों को सुखाएंगे नहीं, तो हमें जो लास्ट में हमने कॉफ़ी अप्लाई किया है, ये देखिए मैंने एक बाउल में कॉफ़ी ले लिया है। कॉफ़ी में आप थोड़ा सा पानी डाल के चाय अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप दूध भी डाल सकते हैं, और थोड़ा सा शुगर डाल सकते हैं। अब इन सारी तीनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब इस कॉफ़ी को कॉफ़ी से अपने पैरों की अच्छे से मसाज करेंगे, चारों तरफ लगा के हैंड से ही मसाज करनी है। जितनी देरी आप मसाज करेंगे उतना अच्छा रहेगा। आप चाहे तो इसको लगा के 5 मिनट के लिए छोड़ भी सकते हैं, या मसाज करके आप तुरंत वॉश कर सकते हैं, मैंने वॉश कर दिया था तुरंत। सेम प्रोसीजर जो मैंने पैरों पे अप्लाई किया है, यही प्रोसीजर आप अपने हैंड पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके हैंड
कई बहनें कहती हैं कि उनके किचन में काम करने से हैंड पे जो फिंगर्स पे होते हैं फिंगर्स ज़्यादा काले हो जाते हैं, तो आप ये अपने हैंड्स पे भी हफ्ते में एक बार या दो बार अपने हाथ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने से आपके हाथ भी जो आपके हाथ पे जो गंदगी जमी हुई है, जो मैल जमी है, वो बिल्कुल निकल जाएगी और आपके हाथ बहुत ही खूबसूरत दिखेंगे। क्या होता है कि हम किचन में काम करते हैं तो अपने हाथों का अपने पैरों का ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो आप ऐसा करके अपने हाथ और पैरों को दोनों को सुंदर और खूबसूरत बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने कॉफ़ी के साथ मसाज कर लिया है। ये देखिए पैर मेरे कितने साफ लग रहे हैं, पहले से ग्लो आ। अपने पैरों को अच्छे से साफ़ कर लो। ये देखिए मैंने पैर अच्छे से क्लीन करके नेल पेंट लगा लिया है। देखिए मेरे पैर कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। जो आपके किचन में अवेलेबल होता है, सबके किचन में ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, उस चीज़ों से मैंने अपने पैरों पे खुद पे पेडिक्योर करके दिखाया आप लोग को। तो मेरा पैर देखा आपने कितना खूबसूरत लग रहा था देखने में, तो आप भी अपने पैरों को ऐसे ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर बना सकते हैं। आपके पैर काले हैं, आपके एड़ियां फटी हैं, पैरों पे स्पॉट है, तो आप इस प्रोसेस को हफ्ते में एक बार या अगर आपके पास टाइम है तो हफ्ते में दो बार भी कर सकते हैं। आप इस प्रोसेस को एक महीने करके देखिए, डेफिनेटली 100% आपको रिजल्ट इसका मिलेगा। और आप इसको आप इस प्रोसेस को करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कितना फ़ायदा हुआ इससे। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे इन करते हैं। और हाँ, इन करने से पहले एक बात और, मेरा इस चैनल पे मैंने बहुत सारी रेसिपी डाली हुई है, तो आप चाहे तो मैं रेसिपी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, आपको डिफरेंट टाइप की रेसिपी मिल जाएगी देखने को। तो चलिए गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले, ताकि इससे और भी बहनों को इससे फ़ायदा हो। तो चलिए आपको मिलते हैं फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, तब तक के लिए।